हेलो दोस्तों, स्टार भी एग्जाम ट्रिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रेलवे की पल पल अपडेट के लिए पहले चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबाइए। और आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, 30 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर या किस प्रकार से रेलवे ने हमारे बीच रखा है, और यह बहुत ही मॉडरेट पेपर बनाया है इन्होंने। तो आप आइए चलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, और अभी कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 30 दिसंबर शिफ्ट 1 का एनालिसिस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या है इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो यह बहुत ही मॉडरेट पेपर बनाया है इन्होंने एग्ज़ाम में इस बार, और यह बहुत ही ज़्यादा लो पेपर नहीं आया है, न बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर बनाया है, मीडियम पेपर बनाया है इन्होंने। आइए देखते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो इसमें बच्चे लगभग 75 तक अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है, शिफ्ट 1 में। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा किस प्रकार से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 30 दिसंबर शिफ्ट 1 का एनालिसिस देखिए, इसमें पूछा है OECD का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो आप बता सकते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। तो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, देखिए हेड क्वार्टर से एक दो प्रश्न अनिवार्य पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको देख कर जाइएगा। रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है, प्लाटो, ये कौन से है, प्लाटो हैं रिपब्लिक बुक के लेखक, ठीक। और आगे देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ होगा। तो यह कहाँ होगा, बर्गिंघम में। तो यह कहाँ पे होगा, कॉमनवेल्थ गेम बर्गिंघम में, ठीक है। तो इसको आप देख के जाइएगा, जो भी आने वाला डेट है इशू रखा गया है उसको आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और 2018 का कहाँ हुआ था यह आप लोग जानते ही हैं। निपा वायरस किस राज्य में फैला है, तो निपा वायरस किस राज्य में फैला है, केरल में फैला था। यह अभी करेंट का क्वेश्चन पूछा है कि अभी अपनों को मालूम होगा निपा वायरस कहाँ फैला था। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है, क्या था, वर्धमान था। महावीर मूल स्वामी का मूल नाम क्या है, आप लोग जानते ही हैं, वर्धमान था। देखिए कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे दिया है, अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें आंसर गलत होगा तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। आप इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, यह वीडियो बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है, बच्चों से क्वेश्चन लेना और उसको आपके माध्यम में रखना तो बहुत ही परेशानी। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को अगला वीडियो में मिल सकूं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। आगे देखते हैं, रॉयल कमीशन 1912 इंडिया आया था, उस समय कौन सा वायसराय था, लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। और मृच कटकम किताब के लेखक कौन है, देखिए किताब के लेखक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने शूद्रक थे, तो इनमें से इंटरप्रेटर कौन नहीं है। तो इंटरप्रेटर का मतलब है, इससे बायोलॉजी से दो तीन क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है। तो इसमें मैंने दो ऑप्शन मुझे मिला है, रेप्टिला और एनिलिडा। तो एनिलिडा में कौन सा सही है ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बायो से दो तीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई सीरियल वाइज से, कोई सीरियल नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फटाफट आप इसको देख लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। देखिए इसमें इन्होंने पूछा है, सैटेलाइट एग्यूमेंशन सिस्टम कौन है। तो सैटेलाइट एग्यूमेंशन सिस्टम में आप देख सकते हैं गगन नाग, गगन शक्ति, यह तीन दिया था उसमें, इसमें कौन सा सही होगा आप लोग जानते ही होंगे, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे देखते हैं, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आप लोगों को सभी को पता है कि कौन थे, एनके सिंह थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सही से पता चल सके। यह बहुत ही मुश्किल से पता चला है बच्चों से क्वेश्चन, और ये 100% रियल क्वेश्चन है। देखिए बेरिंग स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है, तो बेरिंग स्ट्रेट आप लोगों को पैसिफिक सी, आर्कटिक सी को जोड़ती है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहाँ पे है। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल दो है, तो जिसमें से अभी इस समय फ़िलहाल में प्रिटोरिया है, तो जिसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला नंबर का, साथी ऐप
किससे रिलेटेड है, ये देखिए आप लोगों को ध्यान भी होगा, साथ ही आप किससे रिलेटेड है तो ये आप लोग बता सकते हैं, परिवहन से। किससे रिलेटेड है? परिवहन, परिवहन से। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बने रहिए। तो प्लीज़ दोस्तों आगे तक देखते रहिए और चैनल के लास्ट तक बने रहिए। और आगे देखिए, प्राचीन वैद्य ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीन वैद्य ग्रंथ हमें मिला है ऋतु संहार, विष्णु पुराण, आदम्भपिटक। तो कौन सा है? आदम्भपिटक है जहाँ तक है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्राचीन इतिहास हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री से, प्राचीन हिस्ट्री से, आप इसको देखकर जरूर जाइएगा। और इसमें लगभग आपको 70 से 80% तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर? देखिए कंप्यूटर से 2-3 प्रश्न अनिवार्य पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। मैं आप लोगों को बार बार यह वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आप इसको जरूर देख के जाइए। यानी 1024 होता है। विशिष्ट दैत्यवाद का स्थापना किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था। किसने किया था? रामानुजाचार्य ने, ठीक है। तो आप इसको देख के जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के सन मिशन का नाम क्या है? तो भारत के सन मिशन का नाम आप लोगों को पता होगा, आदित्य 11 है। कौन है? आदित्य 11। भारत का पहला अर्थ ओरिएंटल सेटेलाइट कौन सा है? एपिल कैरेट्रोल है। तो आप इसको देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए बड़ी मुश्किल से ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये संग्रहित क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 100% रियल है, आप कहीं से भी किसी भी प्रकार के शिफ्ट के बच्चों से पूछ सकते हैं। विधान परिषद कहाँ नहीं है? तो विधान परिषद कहाँ नहीं है? केरल से। देखिए केरल से लगभग केरल तो आप लोगों को पूर्णतः ही पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे 2-3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो केरल कुछ ऐसे राज्य हैं जिसके बारे में आप लोग देख के जाइएगा, जैसे केरल हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, और यूपी हुआ, तो उत्तर प्रदेश हुआ। तो यहाँ पर आप देख कर जरूर जाइएगा, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं NTPC रेलवे के एग्जाम में। किसने सिविल सेवा का उम्र घटा दिया था? तो किसने सिविल सेवा, जैसे पहले सिविल सेवा में प्रवेश करने के लिए 21 वर्ष लगते थे, लेकिन उन्होंने घटाकर 19 कर दिया। ये कौन थे? मैंने आंसर लिखा है इनका, लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन उपधातु है? तो इनमें से कौन उपधातु है इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अजैविक घटक है? तो इसमें से जैविक घटक, अजैविक घटक, तो अजैविक में जिसमें मीडियम नहीं होता है वह डायरेक्ट पड़ता है, तो मृदा, पेड़ और हवा, ये तो क्या है? यह एक प्रकार का जैविक घटक है। और सूर्य का प्रकाश कैसा हो जाएगा? अजैविक घटक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अजैविक घटक, ठीक है। जोजिला पास कहाँ पर है? तो जोजिला पास अभी देखिए जम्मू कश्मीर का 2-3 प्रश्न पूछ ले रहा है, तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2018 में भारत में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो GS2 और GS7 लॉन्च किया गया। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है मैथ से आपका, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें देखेंगे 6, 6, 12, 20, 30, 42 इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो, ठीक है। आगे देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसका सीरीज बना सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं आसानीपूर्वक से, ठीक है। और अगला देखते हैं, दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो दो पासे की संख्या का जोड़ 12 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इस प्रकार से पासे प्रोबेबिलिटी से 1-2 प्रश्न अनिवार्य है दोस्तों, इसको आप जरूर देख के जाइएगा। प्रोबेबिलिटी हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, इसमें आप जरूर देख के जाइएगा। तो अगर आप लोगों का ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आगे देखिए, एक प्रकार का और सीरीज पूछा है, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए आगे, DHCP का फुल फॉर्म, DHCP का डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखिए फुल फॉर्म से लगभग 2-3 प्रश्न अनिवार्य है जो पूछ लिए जा रहे हैं एग्जाम में, इसको आप जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था मैं माध्य से, तो मीन का दिया था 40, वेरिएशन 5 दिया था, देन कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन पूछा था, तो आप इसका निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, मैथ में क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैथ से कितने कौन कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए टाइम एंड वर्क से 2-3 प्रश्न आने अनिवार्य हर शिफ्ट में आ रहे हैं, जो मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे, जिसमें कॉस थीटा वाला प्रश्न था उसमें देखा गया है, तो आप इसको देख कर जाइएगा। तीसरा अलजेब्रा से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, बोडोमा से 5 क्वेश्चन अनिवार्य, यह हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको आप जरूर से जरूर देख के जाइएगा दोस्तों।
प्रॉफिट लॉट से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, SICI से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये ग्राफ के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन और स्पीड डिस्टेंस दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आप लोगों के क्वेश्चन मैंने बताया था वहाँ पे मीन का दिया था 5, तो एक क्वेश्चन इससे पूछा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। जियोमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप 30 में से कम 25 तो अटेम्प्ट करके जो आ रहा है एक्यूरेसी सही होगी तो उसका जानते हैं रैंक अच्छा आएगा और उसका सिलेक्शन पक्का है। तो सबका सिलेक्शन भगवान करे सबका सिलेक्शन पक्का हो। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए लास्ट तक और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और आगे देखिए रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया है। सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया और DI डाटा इंटरप्रिटेशन से मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा रहा है, वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछा, कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फटाफट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कथन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। और थैंक यू दोस्तों रेलवे की पल पल अपडेट के लिए।